हेलो एवरीवन सभी को नमस्कार मैं दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं अपडेट क्या है एक स्टूडेंट ने आज कॉल करके बताया कि एम का जो नोटिफिकेशन है वो इस हफ्ते आने की प्रोबेबिलिटी है तो भाई कहां से उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने एस एस सी के हेडक्वार्टर पर कॉल किया था तो उन्हें बताया गया कि एम का जो नोटिफिकेशन है वो इसी हफ्ते और सी का जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने कभी आ जाएगा इस महीने मतलब एक्सपेक्टेड एंड के आसपास बताया गया है ठीक है तो नोटिफिकेशन की ये बात हो गई तो नोटिफिकेशन डिले हुआ है तो क्या भाई एग्जाम डेट डिले हो जाएगी क्या तो उसके लिए छोटी सी बात समझिए कि यार एस एस का जो पेपर है वो हमारा एग्जाम डेट मे में पहले बताई जा रही थी कि भाई मे में, में एग्जाम हो सकता है फिर वो जो डिले हुआ वो इलेक्शन की वजह से हुआ अब इलेक्शन में जो भी हो गया है ना तो अब एग्जाम हमारे जून में हो रहे हैं तो अब आप सोचो कि अगर इस टाइम पर भी एग्जाम जून को पार नहीं किया है, नहीं जो हमारा शेड्यूल था उसी टाइम में अगर एग्जाम हो गया तो क्या आगे कोई डिले हो सकता है सो so, प्रॉब्लली कोई चांसेस नहीं है जैसे सी का एग्जाम जो है वो जून जुलाई अब हमारा जुलाई में हो रहा है है ना फर्स्ट टू ट्वेल्थ इसी प्रकार से एम का जो नोटिफिकेशन है वो सात मई की जगह डेफिनेटली सात जून हो सकता है बट हमारा एग्जाम जो है जुलाई अगस्त में नहीं अगस्त में कभी होने की प्रोबेबिलिटी है भले अगस्त एंड तक ही हो जाए लेकिन हो जाएगा ठीक है क्योंकि मे में आपका सॉरी जून में नोटिफिकेशन आएगा है ना मान लो दस जून को आया लेटर तो दस जुलाई तक आपका क्या रहेगा आपको एग्जाम वो फॉर्म फिल करने की डेट मिलेगी और 10 अगस्त तो एक महीने का टाइम में लगभग वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं इसी प्रकार से सीजीएल की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में कभी भी हो सकता है आप सितंबर से पहले ही अपने सिलेबस को एकदम तैयार करके रखें अब आ जाते हैं भाई आगे वेरी इंपॉर्टेंट कि यार यूट्यूब पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं है ना चाहे आप कहीं से पढ़े हुए हो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज आ रही है डिटेल्ड प्रैक्टिस अब डिटेल्ड प्रैक्टिस सर जैसे भाई मान लो परसेंटेज पढ़ना है मुझे आपको कराना है प्रैक्टिस उसकी आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा हो कैसे मेरे लिए सबसे आसान है कि मैं आपको कोई भी रैंडम पंद्रह से बीस सवाल करवा दूं तो भाई वो सबसे आसान है लेकिन हम ये नहीं करने वाले हैं तो हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिएगा परसेंटेज में एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं अगर हम उनको देखें तो मैंने देखा लगभग 19 टाइप्स में हम सवालों को कर सकते हैं बताना क्या किसी पेड कोर्स में भी आपने उन्नीस टाइप पढ़े थे क्या आ जाइए है तो एस के जितने भी एग्जाम है चाहे सी हो चाहे सी हो चाहे सीपी हो चाहे एम हो चाहे फेज नाइन हो है ना जितने भी एग्जाम हैं उन सबके क्वेश्चन को हम इन टाइप्स में डिवाइड करेंगे अब आपको यहाँ पर दिखा हो सर नील क्या लिखा हुआ है तो समझिए जैसे अभी सीपीयू का एग्जाम आ रहा है तो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं सीपीओ के हम ज्यादा सवाल देखें तो मैंने क्या किया कि पिछले चार से पांच साल के सीपीओ के पेपर को टाइप्स में डिवाइड किया तो मुझे ये जो नील लिखा हुआ ये वाले टाइप दिखे ही नहीं यानी ये टाइप अभी तक मतलब पिछले चार पांच सालों में एसएससी सीपीओ के एग्जाम में नहीं पूछ रही है तो क्या हम बाकी टाइप्स को रहने दें और परसेंटेज हो गया फिनिश क्या नहीं तो हम CGL, CHSL और, और फेज नाइन और ये सब जो एग्जाम है वो सवाल यहां पर मैंने डाले हैं और वो आपको पूरा मतलब परसेंटेज पूरा लगभग पचास पचपन सवाल आपको मिलेंगे एक सिंगल वीडियो में तो आपकी प्रैक्टिस क्या बेहतरीन होएगी या नहीं होएगी फिर हम इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पर उस टाइम ये हो सकता सी एच एस एल वाले सवाल ज्यादा ले लेंगे मगर बढ़िया सवाल क्योंकि आप जानते हैं इसका सवाल इसमें इसका सवाल इसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर की किताब देखी होगी समय मिला होगा तो ये सवाल आगे पीछे रिपीट होते रहते हैं इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारे ही टाइप्स को देखें ये वीडियो हो सकता है आपको एक चैप्टर आपको हो सकता है एक हफ्ते वेट करने पर मिले बट इस बात को समझिएगा कि सब टाइप्स में अरेंज करना टाइप करवाना पीपीटी बनवाना सवाल को चूज करना उसमें टाइम लगता है बात क्लियर है आगे पेड कोर्स की बात करें कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भाई पेड कोर्स कब आ सकता है कब ले सकते हैं तो पेड कोर्स लॉन्च करना कोई बड़ी चीज नहीं है ना तो जो समय लगता है उसकी प्लानिंग में लगता है और अभी जो है इसकी सारी डिटेल कि कितने महीने में हम सिलेबस खत्म करेंगे क्या-क्या इसके फीचर्स हैं क्या-क्या इसके फायदे हैं वो सारी चीजें 10 जून से पहले मैं आपको बता दूंगा है ना इस पे अभी हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी ऐप और अब वेबसाइट पे भी काम करें क्योंकि कई स्टूडेंट्स लैपटॉप पर कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप चाहें तो बस ऐसे देख सकते हो कि वेबसाइट जो है वो दीक्षित सर डॉट कॉम पर काम चल रहा है बस एक आध दिन का काम है फिर हम थोड़ा टेस्टिंग करके उसको बाकी आपको बता देंगे कोई भी कोर्स इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी आपको यहाँ पर गलती से भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है कब कोर्सेज लाइव हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा है ना क्या क्या कोर्स की डिटेल हो सारी यहीं पर आपको बताऊंगा ठीक है